हाँ जी, क्या हाल चाल? आ गया है आपका भाई आज बताने कि क्या आपको ये बैट खरीदना चाहिए जिसका कि रिव्यू मैंने दिया था, और इसको मुझे खरीदे हुए लगभग लगभग 2 साल हो गए हैं, और इसका सारा चिट्ठा आज मैं खोल दूंगा और सब बता दूंगा आपको कि क्या आपको इस बैट को लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये इसके साथ कवर देते हैं, ठीक ठाक सही कवर है, बहुत तगड़ी क्वालिटी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, काम चल जाता है अगर आप संभाल के रखो तो। और ये है वो बैट, और ये टेप जो मैंने खुद लगाई है ये इसके साथ नहीं आती, और इसके साथ ये ग्रिप वाइट कलर की आती है, वो तो आपको पता ही होगा, मेरी वीडियो पुरानी वाली जाकर चेकआउट कर लेना, पूरा आपको पता लग जाएगा। और अभी इसका स्ट्रोक है ना जो भाई, बहुत तगड़ा हो चुका है क्योंकि इसके ग्रेन्स हैं जो खुल चुके हैं, और ये मैं कह सकता हूँ कि भाई ये बैट है जो वो सबसे सस्ता ट्रस्टेबल कश्मीर विलो बैट है ये। और भी आते हैं बैट्स गाइस, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये सच में है या नहीं है भाई। अब 1200 रुपये का मान लो मैंने ये खरीदा, और 1200 रुपये का मैं कोई और बैट खरीदता हूँ तो मुझे उसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि हाँ बैट सही होगा या नहीं। मैं मानता हूँ कि इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये SG का है तो हमको एक ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ही भाई हम सोच लेते हैं कि हाँ बढ़िया बैट होगा, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो हमें ब्रांड वैल्यू के साथ नहीं जाना चाहिए क्रिकेट में, एटलीस्ट अपने कंफर्ट के हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन फिर भी गाइस होता ही है कि बहुत, अगर आपको सस्ता बैट मिल रहा है और बढ़िया हो तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाए। जैसे कि ये है, इसमें ग्रेन्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर हमें इस साइड पे 3 ग्रेन्स मिलते हैं, बीच में खाली है, और इधर 2 ग्रेन्स मिलते हैं, तो कंप्लीट इसमें 5 ग्रेन्स हैं। जी हाँ, 5 ग्रेन्स के साथ ये बैट आपके पास आ जाएगा, और पीछे इसके कलर करा होता है। इसका भी मैंने गाइस खोलने के लिए ना सारा यहाँ पर सैंड पेपर से रब किया, और पीछे भी ग्रेन्स आ रहे हैं, हालांकि इतने सीधे नहीं हैं लेकिन फिर भी ग्रेन्स आ रहे हैं पीछे, तो इसका मतलब है कि बैट सही है। और अगर आपका बैट भी पुराना हो चुका है तो आप ये करके ज़रूर चेक कर सकते हैं कि हाँ क्या ये आपका बैट असली था या नहीं, और क्या उस बंदे ने आपको बैट सही दिया या नहीं शॉपकीपर ने। या फिर अगर ऑनलाइन गाइस कभी भी परचेज मत कीजिएगा, हमेशा बैट लेना है तो जाकर ही लीजिएगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप सोच लीजिए कि मैंने ये बैट लेना है, लेकिन वहाँ जाकर दुकान में जाकर आपको कोई बढ़िया फील मिल जाए, या फिर कोई बढ़िया वेट, कोई बढ़िया बैलेंस मिल जाए। जैसे कि इस बैट का बैलेंस बहुत ही तकड़ा है और काफ़ी हल्का बैट है ये, अराउंड 1100 से 1150 ग्राम का ये बैट है, और इसके ग्रेन्स भी हैं, स्ट्रोक भी है, तो मैं ये ज़रूर ज़रूर रेकमेंड करूँगा। अगर मेरे भाइयों आपने लेना है बैट और आपके पास हैं पैसे कम, तो SG मैक्स कवर इज़ द बेस्ट बैट, या फिर आप और भी कई बैट ले सकते हैं जो कि देसी होते हैं, या फिर बास का शायद आता है एक आधा, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट, तो आप खरीद सकते हैं ये बैट, मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ। और अभी जो मैंने बैट लिया है उसका रिव्यू आ चुका है, उसका भी अच्छे से फेयर रिव्यू आएगा थोड़े दिनों में, 2 मंथ 3 मंथ फेयर रिव्यू ऐसे आएगा, तो अभी मैं डेली वीडियोस डाला करूँगा, और आज आ रही है इसकी वीडियो, कल बता देना किस चीज़ की वीडियो चाहिए आपको, उस चीज़ की वीडियो आपके पास होगी। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।